अभी तो मंदिर देखा है पर कोटा देखा है, और ज़्यादातर तो प्रगति की समीक्षा थी, अनुमान लगाने का कार्य किया गया कि अभी चुनौती कितनी बाकी है। मंदिर में तो अब लगभग लगभग पत्थर का काम शिखर को छोड़कर पूरा हो गया है, मतलब धरातल के अलावा प्रथम तल द्वितीय तल को पूर्ण होने की बिल्कुल समय आ गया है, इस माह के अंत तक पूर्ण हो जाएगा पत्थर का कार्य। शिखर का कार्य है तो कुल मिलाकर करीब 55,000 जो है क्यूबिक फीट पत्थर और लगना है। परकोटा में अभी हम आधे के पत्थर पहुंचा चुके हैं, यानी 8,20,000 क्यूबिक फीट अनुमानित है, तो अभी हम करीब 4,00,000 पे पहुंचे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम परकोटा के कार्य को कैसे पूर्ण करें, और परकोटा पे बहुत निर्भर करता है, क्योंकि परकोटा के ऊपर जो उसकी छत होगी उस पे प्रोजेक्टर लगेंगे, प्रोजेक्टर से रोशनी जो है रात्रि में मंदिर पे जाएगी, पहुंचाई जाएगी, जिसको कहते हैं फसाद लाइटिंग। तो वह कार्य तभी संभव हो पाएगा जब छत पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार परकोटा का बड़ा भारी महत्व है। 7 मंदिर जो हैं उनकी प्रगति ठीक है, वह तो हम मंदिर जब अपना भगवान का पूर्ण होगा तो उसके साथ ऋषि मुनियों का भी मंदिर पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से शेषावतार का जो कार्य लिया गया है वह भी पूर्ण हो सकेगा। आज हम लोग समीक्षा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार आने वाले ग्रीष्म काल में, जबकि तापमान बहुत बढ़ जाएगा, तो हम श्रद्धालुओं को कैसी सुविधा दें, उनको कैसे हम ऐसी व्यवस्था करें कि वो छाया में चल सकें, तापक्रम का असर उन पे कम हो, इसका कार्य देखा जाएगा प्रारंभ में। अन्य जो निर्माण कार्य हैं, जो जिसको हम सहायक निर्माण कार्य मुख्य के अतिरिक्त होता है, कॉम्प्लेक्स में परिसर में जो कार्य होना है, वह भी हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। क्योंकि कल जैसा आपको ज्ञात होगा न्यास की बैठक है, और न्यास की बैठक में प्रगति बतानी पड़ती है, तो इसलिए आज से लेकर कल जो पहला सेशन होगा उसमें समीक्षा हम लोग कर सकेंगे, और फिर अनुमान करेंगे कि हम और क्या सुधार ला सकते हैं। मुख्य आज भी चुनौती श्रमिकों की संख्या है। श्रमिकों की संख्या जब तक दुगनी नहीं होगी, आज लगभग मौके पर 700-800 के बीच में श्रमिक आ रहे हैं, जब तक हम 1500 से श्रमिक ऊपर नहीं लगाएंगे, हम निर्माण में सदैव पीछे रहेंगे और हमारा अनुमान गलत होता जाएगा। कंपनियों को कहा है, लार्सन टूब्रो को कहा है, टाटा को कहा है, हम आशा करेंगे कि वो हमारे इस अनुरोध को प्रयासरत हों, और जो भी हमें जून 2025 तक कार्य पूर्ण करना है वह हम पूर्ण कर सकें। बाबू जी, 22 जनवरी भी नज़दीक आ रहा है, तो 22 जनवरी के पहले मंदिर परिसर में कौन कौन से कार्य पूरे हो जाएंगे, राम भक्तों को और क्या सुविधा मिल सकेगी, किन मंदिरों का दर्शन वो कर सकेंगे? कदाचित जो सप्त मंदिर हैं वो पूर्ण हो सकेंगे, लेकिन यह मैं अभी आश्वस्त नहीं हूँ कि वहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जा सकेंगे। मंदिर अवश्य पूर्ण हो जाएगा, लगभग लगभग राम दरबार में मूर्तियों की स्थापना जो है उस दिशा में कार्य पूर्ण हो रहा होगा,
लेकिन अभी 22 जनवरी 2025 को अतिरिक्त दर्शन कौन से होंगे या करना कठिन।